मेरे जन्म से। जब आपके पड़ोस के पड़ोसी के घर में आग लगे तो उसकी लपटें आपको कष्ट दे सकती हैं। yes. समझिए पहली बात, दूसरी बात रिफ्यूजी प्रॉब्लम, तीसरी बात इन्फिल्ट्रेशन होगा, चौथी बात कि जो हमारा पड़ोसी खुश नहीं है वहां आग लगी हुई है तो हम भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं। yes. ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है। आपको आइसोलेशन में नहीं दे सकते कि बांग्लादेश में हो तो हमें क्या मतलब, मतलब है क्योंकि पड़ोसी है। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान से भी चाहते कि मैत्री हो क्योंकि पड़ोसी देश है, उसका भी भला हो, लेकिन उसका तो रास्ता ही अलग है। जिहाद जिहाद तो करते रहो, जिहाद अपनी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद करते रहो। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि वहां पर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई है, छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया, उन्हें निकाला गया है, इंटरनेट बंद हो गया है। ये सारे डेवलपमेंट अगर हम चला सके, इस वक्त जो आ रही है वो ये कि बांग्लादेश में कई यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को वहां से घर जाने के लिए कहा या निकाला गया है, और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट को भी ठप किया गया है। मैं आपको यह भी बताऊं कि जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि बांग्लादेश से कुछ लोगों को यहां पर जोड़ सके और उनको इस शो में जोड़ सके और उनसे बात कर सके, लेकिन वहां इंटरनेट सेवा ठप है, इसीलिए उनको बिठाना या उनसे बात करना मुश्किल है। अब आप ये देख लीजिए कि इस एक देश में हिंसा किस कदर हो रही होगी कि उन्हें वहां पर इंटरनेट को भी ठप करना पड़ा है। मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं बांग्लादेश की, और जैसा मेजर जनरल सिन्हा ने कहा कि इस बीच आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते क्योंकि आपका पड़ोसी देश है, वहां जो होगा उसका असर आप पर ना हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक तस्वीर ब्रिटेन से जो आई मैं वो भी दिखा रही हूं, और ब्रिटेन में जिस तरह से आगजनी हुई लीड्स सिटी में, वहां पर एक पूरा का पूरा जो पुलिस को दौड़ाकर वहां भगाया गया, वो जरा तस्वीरें दिखाइए, पुलिस को वहां दौड़ा दिया गया, वहां पर आगजनी की, गाड़ियों को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी, वहां पर सामान फूंक दिया गया, पूरा शहर जल रहा है, ये सब हुआ। और फिर बहुत से लोग कहते हैं ये इस्लामोफोबिया है कि आप कहते हैं कि वहां पर रह रहे लोग ये करते हैं, लेकिन आप एक डर फैलाते हैं एक एक धर्म के खिलाफ, लेकिन वहां पर ज्यादातर रहने वाले जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है वो पाकिस्तानी है। वहां पर इस लीड्स शहर में पाकिस्तान मूल के बहुत से लोग रहते हैं, और उसके बाद जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, मैं प्रेम कुमार जी अगर आप सुन रहे हैं, सुशील जी जुड़ गए हमारे साथ, सुशील पंडित जी, जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, उन्होंने ये हिंसा को और बढ़ाया है। ये मैं पुलिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। आज यही बात कर रहे हैं कि कितनी समस्याओं को की जड़ में पाकिस्तान है। सुशील जी सुशील जी की आवाज नहीं आ रही, ठीक है सुशील जी की आवाज नहीं आ रही, मैं वापस आऊंगी। प्रेम कुमार जी आप पे आते हुए, ये जो पाकिस्तान, ये जो हम इंग्लैंड में देख रहे हैं तस्वीरें, ये कोई, अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसके पीछे आप इस्लामोफोबिया कह दीजिए, लेकिन ये तस्वीरें जो आई हैं वहां पर जिस तरह से जश्न मनाए गए थे जब वहां पर एक मुसलमान काउंसलर चुने गए, और उससे पहले हमने देखा है कि वहां जो मेयर है वो तो तीसरी बार है, सादिक खान जो लंदन के मेयर है, तो ये हो क्या रहा है वहां पर भी? एक ये जो हिंसा फैलाई गई है इसमें ज्यादातर पुलिस स्टेटमेंट ने कहा कि पाकिस्तानी मूल के लोग थे। प्रेम कुमार जी, चरिता जी देखिए, जो जिस नजरिए से आप देख रही हैं हो सकता है सही हो, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के लोग किस नजर से हमें देखते हैं, ये कमिंग अप गलत। हाँ, पाकिस्तानी या एशियाई समूह के लोग सब एक ही तरीके से चित्रित देखे जाते हैं। आज अगर पाकिस्तान के लिए नफरत वहाँ फैलेगी तो कल हिंदुस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश जो भी इधर से गए होंगे वहाँ भी नस्लीय हिंसा का रूप लेगा, इसलिए ये खुश होने का समय नहीं है। अगर पाकिस्तान के लोग किसी धार्मिक वजह से किसी और इस वजह से कि मध्य पूर्व में इंग्लैंड का क्या रुख है इसलिए वहाँ की सरकार से असंतुष्ट हैं तो ये प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है, लेकिन ये चिंताजनक है क्योंकि इस प्रतिक्रिया का परिणाम एशियाई मूल के प्रति हिंसक व्यवहार में तब्दील हो सकता है। हमारी चिंता यहाँ पर जी बिल्कुल सही, आपकी चिंता हमारी चिंता है, हम इसीलिए कहते हैं कि जो वहाँ हो रहा है, जब आप वहाँ के जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर सब कॉन्टिनेंट मूल के लोग हैं, उसमें भारतीय भी है, बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन उसका जो वहां पर पाकिस्तानी मूल के लोग कर रहे हैं उसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। सुशील जी आज एक बड़ी ब्रॉडर डिबेट है कि जो कुछ हो रहा है, और हम तो भारत में कब से ये देख रहे हैं, अब वहां ब्रिटेन में भी उसके पीछे भी पाकिस्तान, यहां बांग्लादेश में उसके पीछे भी क्या पाकिस्तान? सुशील जी
सुचरिता जी, मैं यहाँ पर एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और पैनलिस्ट के लिए कह दूं, पहले सबको नमस्कार जी, कि एक समय था जब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय मूल के लोग सभी दक्षिण एशियाई कहे जाते थे, साउथ एशियन। यस। लेकिन अब समय काफी बदला है, भारतीय और पाकिस्तानी अलग अलग नजरिए से देखे जाते हैं, बांग्लादेशी पहचाने जाते हैं अलग। हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है क्योंकि हमारी जो यहाँ उठना बैठना है, रहने का तौर तरीका है, हमारा जो यहाँ के समुदाय में, यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के परिवेश में योगदान है, उसको अब पहचाना गया है और भारतीयों को दक्षिण एशियाई चट्टे बट्टे में शामिल नहीं किया जाता। ये समझ, ये शऊर यहाँ पैदा हुआ है, बात एक। दूसरी, यहाँ जो बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, बहुत अधिक संख्या में ये वो लोग हैं जो 1971 में मुक्ति संग्राम के विरुद्ध खड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर भाग करके यहां आए क्योंकि उन्हें पता था कि वहां परेशान होने वाले हैं। उसके बाद भी अन्य बांग्लादेशी आए यहां, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन बांग्लादेशियों की है जो 1971 में यहां चले आए थे, 1971 के बाद फौरन चले आए थे क्योंकि वो द्रोही थे उस मुक्ति संग्राम के। तीसरी बात, यहां आकर भी जो एक इस्लामिक आइडेंटिटी है वो ओवरराइडिंग आइडेंटिटी बन जाती है, वो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, सोमालिया, इराक, मिस्र और ट्यूनिसिया के साथ भी जुड़ जाती है, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक हो जाती है और फिर यहां वो एक बड़ा हुजूम बन जाती है। इस बार भी जो दंगे हुए हैं उसमें मीरपुर के पाकिस्तानी, पंजाब के पाकिस्तानी, सिंध के पाकिस्तानी और बांग्लादेश के पाकिस्तानी ही नहीं, बांग्लादेश के मुसलमान ही नहीं, बाकी अन्य क्षेत्रों के मुसलमान शामिल होकर के, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर इकट्ठा होने वाली भीड़ है और इन्हें केवल मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अगर सुदूर बांग्लादेश में कोई घटना हुई है उसके विरोध में वो यहाँ पर गाड़ियां जला देंगे, पुलिस को पीटेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उद्दंडता बढ़ती जा रही है और ये पावर प्रोजेक्शन है, ये आक्रामकता का और एक जारहाना प्रवृत्ति का, एक एग्रेसिव मेंटालिटी का प्रतीक है और वो एग्रेशन सब पर पड़ता है। सुशील जी, ये ब्रॉडर तस्वीर यही है क्योंकि बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं और सिर्फ वहां नहीं है, वहां पर बहुत सारे, हम तो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं और वहां पर वो जिस तरह दंगा फैला रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर। पुलिस दौड़ रही है, पुलिस को दौड़ा दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, इसको कौन सही कहेगा, इसको सही कौन कहेगा? सुशील पंडित जी, पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम, सऊदी अरेबिया नहीं सपोर्ट करता, ना ही जितने मुसलमान देश हैं उनमें से इक्के दुक्के को छोड़ करके। पैलेस्टीन इज नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम सर, ये तो पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करिए आप और थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए आप। पैलेस्टीन को इंडिया ने समर्थन दिया नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पैलेस्टीन इज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज। सर डिफरेंशिएट, सुनिए विवेक जी, विवेक जी, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पैलेस्टाइन के साथ साथ इजराइल का भी पक्ष उठाता है, वो सब देशों का पक्ष उठाता है, मुसलमानों को तो इंडिया से कंपेयर मत करिए। बांग्लादेश में मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, एक तरफ कह रहे हैं पक्ष में, दूसरी तरफ कहते हैं सारे मुसलमान फिलिस्तीन के मुद्दे पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि फिलिस्तीन में उनको मुसलमान हैं, वरना किसी और मुद्दे पर ये इकट्ठे नहीं आते। सर, मानवाधिकारों का हनन आप पहले भारत में नहीं हो रहा, पॉलिसी पढ़ लीजिए आप, यूक्रेन के मुद्दे पर आए ये लोग, सपोर्टर हैं तो यूक्रेन के मुद्दे पर ये लोग आए क्या?